होशियारपुर में मर्सिडीज के में सरकारी राशन ले जाने का मामला सामने आया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जिसके तहत प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के कार्ड की जांच की जाएगी। मर्सिडीज गाड़ी में सरकारी राशन ले जाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद कैबिनेट मंत्री ने एक्शन लिया है। पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा शहर के फोर्टिस अस्पताल के पास का है। ये लोग एक फैमिली फंक्शन से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी। पंजाब महिला कांग्रेस के प्रधान बलबीर रानी सोढ़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी को यह इस्तीफा भेजा। बलबीर रानी सोढ़ी ने कहा इस्तीफे का कारण परिवार की व्यवस्थता बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, सिर्फ इस्तीफा दिया है। नवाशहर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश किया है। विजिलेंस विभाग ने उक्त सरकारी सभा में घोटाला करने के आरोप में 7 दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से 3 दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा था। डेरा बाबा नानक थाना क्षेत्र में ग्राम पड्डा में नहर में युवक का शव मिला है। शव की शिनाख्त के बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने डेरा बाबा नानक में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। युवक की शिनाख्त शमशेर सिंह निवासी गांव रोसा के तौर पर की गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय क्रिकेटर राशिदीप के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान राघव चड्ढा ने प्रतिभाशाली भारतीय गेंदबाज के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार के खिलाफ परिवार को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।